bable sire shima bimalle washmalle bable sire shima bimalle washmalle shima bimalle mashank baya bimalle manadr baya bimalle mashank baya bimalle manadr baya aur dalle sire shima bimalle washmalle bable sire shima bimalle washmalle आठ साल की उम्र से सिंगिंग करना स्टार्ट किया और फर्स्ट मैंने अपने स्कूल से स्टार्ट किया और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था. उसके बाद से मुख्तलिफ़ NGOs मुझे बुलाने लग गए और परफॉर्म करने का हर जगह मुझे तकरीबन पूरे क्वेटा में मैंने परफॉर्म कर लिया है तकरीबन अब तक और मुझे चार साल हो गए सिंगिंग करते. अगर सुफियाना कलाम को देखा जाए तो आबदा परवीन जी को देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती थी और कलाम मैं उन्हीं को उन्हीं के सुनती हूँ और उन्हीं को फॉलो करती हूँ. और अगर पॉप की तरफ जाया जाए तो अली ज़फ़र सर जिन्होंने अभी भी इतना अच्छा मेरे लिए गाना रिकॉर्ड किया, बहुत सपोर्ट किया. तो अगर रॉक मैं ज़्यादा सुनती हूँ या फॉलो करती हूँ तो अली ज़फ़र सर. वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ परफॉर्म करना मेरी खुशकिस्मती थी और मैं बहुत लकी हूँ जो मैं उनके साथ परफॉर्म किया है मैंने. और उनके साथ आप देख ही लें कि वो इतना अच्छा उन्होंने मेरे साथ सिंग किया है कि गाना इतना हिट हो गया है. एक दिन में इतने कितने फॉलोअर्स हो गए मेरे. पहले हम उनके घर गए तो मैं उनके घर जाते हुए बहुत घबरा रही थी. मैंने सोचा नहीं, इतने बड़े सिंगर हैं, उनके सामने मैं कैसे बोलूँगी, कैसे गाऊँगी, पता नहीं मैं क्या क्या गलती कर लूँगी. लेकिन जब हम एक स्टूडियो में रहकर हमने गाना रिकॉर्ड किया तो गाने के दौरान सर ने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. सर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया और सर एक बहुत हम्बल पर्सन है और कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे उनके साथ काम जारी रख सकूँ. मैं एक से दो घंटा रिहर्सल कर लेती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देती. माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर हूँ और मैं अल्लाह का करम है, बस मैं मैनेज कर लेती हूँ और ये भी साथ साथ चलता रहता है और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है. मुस्तकबिल में मैं एक्चुअली आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है. लेकिन सिंगिंग को भी साथ साथ ही जारी रखूँगी. हेलो लैला आई डा